वहीं महाराष्ट्र के मुंबई में सुबह बड़ा हादसा हो गया। यहां मुंबई के तारदेव में भाटिया अस्पताल के पास कमला बिल्डिंग की 20 मंजिला इमारत में आग लग गई। मुंबई के डीसीपी सौरभ त्रिपाठी ने बताया कि अभी तक 15 लोगों के जलने की खबर है और 7 की मौत हो चुकी है। सभी को भाटिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रेस्क्यू अभियान भी लगातार जारी है। तो वहीं मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने यह बताया है कि लोगों को ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम की जरूरत थी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। आग पर काबू पा लिया गया है लेकिन धुआं बहुत ज्यादा है। तो देखिए महाराष्ट्र के मुंबई में बड़ा हादसा, उसी की तस्वीरें हैं। कमला बिल्डिंग की 20 मंजिला इमारत में इस दौरान आग लग गई। अरुण दुधवड़कर और उनके लोगों का कहना है ओकाड़ और रिलायंस उन्होंने और मसीना उन्होंने पेशेंट लेने को लिए नकार दिया, इसीलिए पेशेंट को इधर उधर और टाइम लग गए हैं। अभी तक इंजर्ड या डेथ ज़्यादा हमें पता नहीं है, लेकिन जो सफोकेशन में पेशेंट थे भाटिया में है उनको जाके मैं खुद अरुण दुधवड़कर और मैं जाके मिली, उनको थोड़ा सा मोटिवेशन या भरोसा देने का काम किया है और उनको ऑक्सीजन और बाकी सब चालू किया गया है। फायर ब्रिगेड की 31 गाड़ियां लाई गई, ट्रैफिक पुलिस का इन्वॉल्वमेंट किया गया, लोकल पुलिस का इन्वॉल्वमेंट था इसमें, पूरी तरह से इवैक्यूएशन किया गया। 15 फ्लोर के आसपास डक्ट के ऐसा प्राथमिक जानकारी है कि 15वें फ्लोर पे डक्ट से जो है आग लगी और ऊपर तक गई। सबसे ज़्यादा अफेक्टेड 19 फ्लोर था और एक संयुक्त अभियान जो पुलिस फायर ब्रिगेड उनके साथ में करने के बाद जो है उसमें इवैक्यूएशन हो गया है। फायर अभी कंट्रोल में आ गई है। डोर टू डोर अभी भी चेकिंग हम कर रहे हैं कि किसी को और कोई रेस्क्यू की ज़रूरत पड़ेगी या कुछ और किसी तरह से कोई इंजर्ड है क्या। अराउंड 15 इंजर्ड जो है विभिन्न अस्पतालों में जो है दाखिल किए गए हैं, नायर हॉस्पिटल, भाटिया हॉस्पिटल और अनंत अस्पतालों में हैं। इसमें से 4 और क्रिटिकल हैं अभी और उनके अभी मतलब डॉक्टरी देख रेख चालू है। इसके अलावा भी हम लोग अभी जो है अभी आप देख रहे हैं पीछे की राहत और बचाव कार्य चालू है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।